गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? मजे में ना? बच्चों, आज हम नूतन अभिनव हिंदी प्रवेशिका की बुक पार्ट 3 की बुक में चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 10 है, यह है यानी दिस इज। कोष्टक से सही शब्द चुनो, खाली जगह में लिखो और पूरा वाक्य फिर से लिखो। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट द फुल सेंटेंस। यानी यहाँ पे हमें ब्रैकेट में से शब्द चुनकर वाक्य में लिखना है और वापस वही वाक्य वही यानी सेंटेंस नीचे लिख देना है। तो यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल भी दिया है। तो यहाँ पे मोर का चित्र है, तो य मोर है। हम यहाँ पे पूरा वाक्य लिख देंगे, य मोर है। बाद में हमें यहाँ पे लायन दिख रहा है यानी शेर, इसको हिंदी में हम शेर कहेंगे। तो यहाँ से शेर शब्द हम नीचे यानी सी नीचे लिख देंगे। शेर या सी दोनों लिख सकते हो। य शेर है, तो यहाँ पे हम सेंटेंस लिख देंगे उसका कि यह शेर है। बाद में यहाँ पे अम्ब्रेला यानी छाता दिख रहा है, तो हम यहाँ से छाता शब्द ढूंढ के लिख देंगे और सेंटेंस यानी कि वाक्य बनेगा यह छाता है। बाद में है काइट यानी पतंग का चित्र, तो यह पतंग है, तो हम यहाँ पे यह पतंग है वाक्य लिखेंगे। उसके बाद है ट्री यानी पेड़, तो हम ऊपर से देख के यहाँ पे पेड़ लिख देंगे, यह पेड़ है वाक्य बनेगा। बाद में बुक यानी पुस्तक, तो यहाँ पे हम पुस्तक लिखेंगे और पूरा वाक्य बनाएंगे, यह पुस्तक है। बाद में यहाँ पे पेन यानी कलम दिख रही, तो यह खाली जगह है यानी कलम लिखेंगे हम यहाँ पे, यह कलम है। बाद में रोज यानी गुलाब दिख रहा है, यह गुलाब है, तो यह गुलाब है वाक्य बनाएंगे यहाँ पे। बाद में हमें गांधी जी का चित्र दिखाई दे रहा है, तो यह खाली जगह है, तो वहाँ पे गांधी जी लिखेंगे, यह गांधी जी है पूरा वाक्य बनाएंगे। बाद में क्रो यानी कौवा दिख रहा है हमें, तो यह कौवा है और यहाँ पे हम यह कौवा है वाक्य बना देंगे। बाद में है हमें गन यानी बंदूक, तो यह बंदूक है, यह यहाँ पे वाक्य बनेगा। बाद में एक लेडी यानी औरत, यह खाली जगह है यानी औरत है, यह औरत है वाक्य बनेगा यहाँ पे। थैंक यू बच्चों, अगले पीरियड में मिलेंगे।